हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग 10th एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में पास हो गए हैं, इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सीईटी देनी है या नहीं है, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सीईटी सबको देनी है, क्योंकि आप सबको पता है रिजल्ट किस बेसिस पे लगाया गया है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट नाराज़ भी है इस रिज़ल्ट से, तो उन बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जीआर में ऐसा दिया गया है कि दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिज़ल्ट, ओके, ऐसे स्टूडेंट जो इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो स्टूडेंट अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो अपने एग्ज़ाम के लिए बोर्ड में जाकर, या फिर बोर्ड जिस जगह पे प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी, उस जगह से बोर्ड एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करके वो अपने एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिज़ल्ट, दे कैन 101% अप्लाई फॉर द अपकमिंग बोर्ड एसएससी एग्जामिनेशन एंड दे कैन गेट मोर एंड मच मोर मार्क्स इफ़ दे विश। ओके, दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि अभी जल्दी से जल्दी सीईटी के एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड सोशल साइंस 25 मार्क्स ईच फॉर ईच सब्जेक्ट। ओके, ऐसे 100 मार्क्स की ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जल्दी से जल्दी तैयारी में लग जाइए और सीईटी के लिए अच्छे से अच्छे स्कोर मार्क के लिए पढ़ाई करिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड ग्रेट स्टडी। थैंक यू वेरी मच।